तो यहाँ पे जो मारुति मोटर लैब ऑफर कर रही है वो 490 रुपए का ऑफर कर रही है। वैसे अगर आप आफ्टर मार्केट में जाएं तो आपको ये 350 से 400 रुपए तक इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद जो दूसरी एक्सेसरीज आती है वो है बॉडी कवर। तो मारुति ने यहाँ पे दो तरह के कार कवर ऑफर किए हैं, पहला बेसिक जिसके लिए मारुति 1790 रुपीज चार्ज कर रही है, एंड दूसरा प्रीमियम जिसके लिए मारुति 3490 रुपीज चार्ज कर रही है। ना जो अगली एक्सेसरीज है वो है शार्क फिन एंटीना। तो यहाँ पे ग्रैंड विटारा में हमको तीन तरह के शार्क फिन एंटीना मिल जाएंगे। तो जो पहला है वो है प्रीमियम, और इसकी प्राइस जो है वो है 550 रुपए। ये देखने में कुछ इस तरह का है। इसमें जो दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है वो है सिल्की सिल्वर कलर में, तो वो कुछ इस तरह का दिखने में है। एंड जो तीसरा है वो है आर्कटिक व्हाइट, एंड वो कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो जो प्रीमियर है वो तो 550 रुपए का है, बट सिल्की सिल्वर एंड जो आर्कटिक व्हाइट है उसके लिए हमको 650 रुपए देने पड़ेंगे। जो अगली एक्सेसरीज आप लगवा सकते हैं वो है बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर, एंड ये हमको कार्बन फिनिश में मिलेगा। एंड इसके लिए यहाँ पे मारुति पूरे 1490 यानी कि 1490 रुपीज चार्ज कर रही है। तो जो अगली एक्सेसरीज आप लगवा सकते हैं वो है डोर वाइजर। तो यहाँ पे मारुति ग्रैंड विटारा के लिए तीन तरह के डोर वाइजर ऑफर कर रही है। तो जो सबसे पहला है वो बेसिक सा है, एंड इसके लिए हमको 1790 रुपीज पे करने पड़ेंगे, एंड वो कुछ इस तरह का दिखने में होगा। जो इसके ऊपर दूसरा डोर वाइजर है उसमें हमको स्टेनलेस स्टील के इंसर्ट देखने को मिल जाएंगे, एंड उसके लिए हमको टोटल 2590 यानी कि 2590 रुपए पे करने पड़ेंगे, एंड वो कुछ इस तरह का दिखेगा। एंड इसके ऊपर हमको एक और डोर वाइजर का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें हमको स्मोक्ड इंसर्ट देखने को मिल जाएंगे, एंड इस स्मोक्ड इंसर्ट वाले डोर वाइजर के लिए हमको टोटल 3390 यानी कि 3390 रुपए पे करने पड़ेंगे, एंड ये कुछ इस तरह का दिखने में होगा। एंड जो अगली एक्सेसरीज आप लगवा सकते हो वो है इसका रियर स्पॉइलर एक्सटेंडर, एंड ये हमारे को ब्लैक कलर में मिल जाएगा, एंड इसके लिए हमको टोटल 590 रुपए पे करने पड़ेंगे। उसके साथ ही आप इसमें बॉडी साइड मोल्डिंग लगवा सकते हो क्रोम में, एंड इसके लिए आपको 2590 रुपए पे करने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पर रियर स्केट प्लेट में दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक ब्लैक प्लस क्रोम में जिसके लिए हमको 2590 रुपए पे करने पड़ेंगे। साथ ही अगर आप इसको स्मोक्ड ऑप्शन में लेते हैं तो आपको यहाँ पे उसके लिए 2790 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो अगर आपने रियर स्किड प्लेट लगवाई तो हो सकता है कि आप साइड स्किड प्लेट भी जरूर लगवाओगे, एंड इसमें भी हमको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला ब्लैक प्लस क्रोम में, एंड इसके लिए हमको 3090 यानी कि 3090 रुपीज पे करना पड़ेगा। एंड जो इसका स्मोक्ड वाला ऑप्शन है उसके लिए हमको 3490 रुपीज पे करना पड़ेगा। साथ ही अगर आप चाहो तो फ्रंट बम्पर एक्सटेंडर भी लगवा सकते हो, एंड इसमें भी हमको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, तो पहला क्रोम में है जिसके लिए 2890 रुपए पे करने पड़ेंगे, एंड जो दूसरा ऑप्शन है अगेन स्मोक्ड में, एंड इसके लिए हमारे को 3590 यानी कि 3590 रुपीज पे करना पड़ेगा। एंड अब लिस्ट में जो हमारी अगली एक्सेसरीज है वो है अलॉय व्हील्स। तो यहाँ पे अलॉय व्हील्स में भी टोटल दो ऑप्शन मिल जाते हैं, तो जो पहला है के लिए हमको 10790 यानी कि 10790 रुपीज पे करने पड़ेंगे। एंड अलॉय व्हील्स में हमारे को जो दूसरा ऑप्शन मिलता है वो है इसका मशीन फिनिश अलॉय व्हील्स, एंड इसके लिए हमारे को 11290 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो अगर आप अलॉय व्हील्स लगवाने वाले हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसी मशीन कट वाले अलॉय व्हील्स के साथ जाना। तो जो लिस्ट में अगली एक्सेसरीज है तो वो आपके रूफ कैरियर्स हो गई। तो यहाँ पे रूफ कैरियर्स में हमको टोटल दो ऑप्शन मिल जाता है, तो जो पहला है वो रूफ कैरियर रेल्स है, एंड इसके लिए हमारे को 13990 रुपीज पे करना पड़ेंगे। एंड जो दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ में मिलता है रूफ बास्केट, एंड इस रूफ बास्केट के लिए आपको 25990 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो लिस्ट में अब हमारी अगली एक्सेसरीज है साइड स्टेप। तो जो साइड स्टेप्स है वो बच्चे हो गए या फिर एल्डरली पीपल हो गए, बूढ़े लोग हैं, उनके लिए काफी काम की चीज होती है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं तो ये आप जरूर लगवाइएगा, एंड इसके लिए आपको 13990 रुपए यानी कि 13990 रुपीज पे करना पड़ेगा। एंड अब एक्सटीरियर में जो अगली एक्सेसरीज आप लगवा सकते हो वो है डोर एज गार्ड, एंड इसके लिए आपको टोटल 250 रुपए पे करने पड़ेंगे, एंड ये आपको मेटेलिक में मिलेगा। एंड अब लिस्ट में हमारी अगली एक्सेसरीज है ORVM गार्निश, एंड ये ORVM गार्निश में हमको दो वेरिएंट मिल जाते हैं, पहला ब्लैक एंड दूसरा क्रोम। तो जो ब्लैक वाला है इसके लिए आपको 450 रुपए देने पड़ेंगे, एंड वहीं अगर आप इसको क्रोम में लगवाते हैं तो आपको उसके लिए 490 रुपए पे करने पड़ेंगे। उसके साथ ही आप चाहो तो यहाँ पे टेलियम गार्निश भी लगवा सकते हो। अगर आप इसको ब्लैक में लगवाते हो तो आपको 390 रुपए पे करने पड़ेंगे, एंड वहीं अगर आप इसको स्मोक में लगवाते हो तो आपको 690 रुपए पे करने पड़ेंगे। वेल पर्सनली दोनों में मेरे को जो ब्लैक वाला है वो ज्यादा बेटर लग रहा है, एंड प्राइस भी 300 रुपए कम ही है।
एंड जो अगली एसेसरीज है वो हेडलैम्प गार्निश है एंड ये भी हमको ब्लैक एंड स्मोक दोनों में मिल जाती है। तो जो ब्लैक में है उसके लिए हमारे को 590 रुपये पे करने पड़ेंगे एंड वहीं स्मोक में अगर आप लगवाते हैं तो उसके लिए आपको 1290 यानी कि 1290 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसके साथ ही आप चाहो तो अपनी फ्रंट की जो स्क्रीन है उस पर भी गार्निश करवा सकते हो एंड इसके लिए आपको 650 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसके साथ ही आप चाहो तो रियर LED पे भी गार्निश लगवा सकते हो एंड इसमें टोटल दो ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला क्रोम में एंड इसके लिए हमारे को 990 रुपये पे करने पड़ेंगे एंड वहीं अगर हम इसको स्मोक्ड ऑप्शन में लेते हैं तो उसके लिए हमको 1390 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो लिस्ट में जो हमारी अगली एसेसरीज है वो है फेंडर गार्निश एंड उसके लिए आपको 990 रुपये पे करने पड़ेंगे। लिस्ट में जो अगली एसेसरीज है वो है बैकडोर गार्निश, तो आप अपनी गाड़ी के बैकडोर पे भी गार्निश लगवा सकते हो एंड इसके लिए आपको 1090 रुपये यानी कि 1090 रुपीज पे करने पड़ेंगे। एंड लिस्ट में जो अगली एसेसरीज है वो है ट्रंक सील गार्ड, तो आप चाहो तो अपने ट्रंक में सील गार्ड लगवा सकते हो एंड इसके लिए आपको 2590 यानी कि 2590 रुपीज पे करना पड़ेगा। एंड आपके पास अगर अभी भी और पैसे हैं एंड आप एक्सटीरियर में कुछ और एसेसरीज भी लगवाना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे जो रूफ रेल्स हैं उस पर भी गार्निश लगवा सकते हो एंड इसके लिए आपको टोटल 4350 यानी कि 4350 रुपीज पे करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से ये एसेसरीज तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, बट स्टिल अगर आपको लगवाना चाहें तो आप जरूर लगवाएं। पर ये सारी एसेसरीज थी इसके एक्सटीरियर की, अब चलते हैं इसके इंटीरियर में एंड देखते हैं कि इसके इंटीरियर कंफर्ट या कन्वीनियंस को लेकर के आप क्या क्या एसेसरीज लगवा सकते हैं। इंटीरियर में जो सबसे पहले एसेसरीज आप लगवा सकते हैं वो इसमें सनशेड, तो यहाँ पे सनशेड में अगर आप सिर्फ रियर विंडशील्ड के लिए लेते हैं तो उसके लिए आपको 550 रुपये पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप इसके टू रियर डोर वाले सनशेड लेते हैं विंडोज के लिए तो उसके लिए आपको 690 यानी कि 690 रुपीज पे करने पड़ेंगे। बट वहीं अगर आप फोर डोर सनशेड लेते हैं तो उसके लिए आपको 1150 यानी कि 1150 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो लिस्ट में जो अगली एसेसरीज है वो है फ्लोर मैट, तो यहाँ पे हमको वैरायटी ऑफ फ्लोर मैट्स मिल जाते हैं। तो जो सबसे पहला है बेसिक ब्लैक मैट, इसके लिए हमको 1990 रुपये पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप थोड़ा ऊपर बढ़े तो आपको यहाँ पे 3D बूट मैट मिल जाएंगे जिसके लिए आपको 2150 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसके ऊपर यहाँ पे मारुति मिस्टिक डिजाइनर मैट भी ऑफर कर रही है जिसके लिए आपको 2190 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसके ऊपर हमको एक प्रीमियम कारपेट मैट भी मिल जाता है जिसके लिए आपको 2690 रुपये पे करने पड़ेंगे। एंड वहीं इसके और ऊपर आपको ऑल वेदर 3D मैट ऑफर हो जाता है जिसके लिए आपको 2790 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसके अलावा आप इंटीरियर में डोर सेल गार्ड्स लगवा सकते हो, तो इसमें भी दो ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला मिस्टिक स्कब डोर सेल गार्ड, इसके लिए 1990 रुपीज पे करने पड़ेंगे। एंड वहीं अगर आप मेटल डोर सेल गार्ड लेते हो तो उसके लिए आपको 2490 रुपीज पे करने पड़ेंगे। बट इन दोनों सेल गार्ड के अलावा आपको इल्यूमिनेटेड डोर सेल गार्ड भी मिल जाएगा जिसको खोलते ही आपको लाइट दिखाई देगी एंड इसके लिए आपको 3990 रुपीज पे करने पड़ेंगे, जो कि पर्सनली मुझे काफी कॉस्टली लग रहा है। वेल इंटीरियर की जो अगली एसेसरीज है वो है सीट कवर्स, तो यहाँ पे टोटल 19 ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड जो इनकी प्राइसेस है वो 8290 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है एंड 39990 रुपीज तक चली जाती है। तो जो मैक्सिमम सीट कवर है वो 9 से 10 हजार रुपए की रेंज में है एंड 39990 रुपीज वाला सिर्फ एक ही सीट कवर है। वेल पर्सनली इन सारे सीट कवर्स में से मुझे प्रीमियम ब्राउन लाइनिंग फिनिश वाला जो सीट कवर है ये ज्यादा पसंद आया एंड जो इसकी प्राइस है वो 10550 रुपए है। उसके अलावा आप यहाँ पे इंटीरियर स्टाइलिंग किट ऑप्ट कर सकते हो जिसके लिए आपको टोटल 8490 रुपए पे करने पड़ेंगे एंड ये इंटीरियर स्टाइलिंग किट हमको 4 वेरियंट्स में मिल जाती है। जो सबसे पहला है वो है कॉपर मिस्टिक मार्बल, दूसरा आपको यहाँ पे लिप्स डेस्क वुड ऑप्शन मिल जाएगा, जो तीसरा है वो है ग्रे मिस्टिक मार्बल एंड द लास्ट वन इज लिप्स डॉन वुड। इन इंडिविजुअल एसेसरीज के अलावा आप चाहो तो इसके एसेसरीज का पैकेज भी चूज कर सकते हो, तो यहाँ पे मारुति ने दो एसेसरीज पैकेज लॉन्च किए हैं, पहला एनिगमैक्स एंड दूसरा एनिगमैक्स एक्स। तो जो एनिगमैक्स है वो सिग्मा डेल्टा जेट्टा एंड अल्फा वेरिएंट्स के लिए है एंड वहीं जो एनिगमैक्स एक्स है वो आप जेट्टा प्लस एंड अल्फा प्लस वेरिएंट के लिए ही चूज कर सकते हो। एंड इन दोनों में आपको क्या क्या मिलेगा उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आप ऊपर अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे एंड इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो कोई ऐसी एसेसरीज जिसकी आपको जरूरत थी एंड वो मेरे से इस वीडियो में मिस हो गई एंड मैं नहीं कवर कर